आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। इंडिया लाइव न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने आसपास की खास खबरें देखें सबसे पहले इंडिया लाइव न्यूज पर। के लिए थाने या चौकी में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने अपने कार्यालय में ही साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए साइबर हेल्प सेंटर का उद्घाटन किया है। साइबर से जुड़ी किसी भी घटना के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के नाम से डेस्क का शुभारंभ किया गया है। जनपद में आपराधिक घटनाओं एवं अपराधियों की धरपकड़ अभियान चलाकर आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को सलाखों की हवा खिलाई जा रही है। वहीं अब साइबर के अपराधियों की भी खैर नहीं, पूरे जनपद से साइबर क्राइम्स के अपराधियों का सफाया किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 9454401617 भी शुरू किया गया है, जिस पर साइबर क्राइम से शिकार हुए पीड़ित अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत करा सकेंगे। केवल साइबर हेल्प सेंटर पर जाएं और साइबर हेल्पलाइन नंबर 9454401617 पर कॉल कर अपनी घटना तत्काल बता दें। घटना से संबंधित कार्रवाई साइबर सेल तुरंत करेगा और वादी को FIR की कॉपी भी यहीं से मिल जाएगी। बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा समस्त नागरिकों के लिए एक साइबर हेल्प सेंटर की शुरुआत की गई है। यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी अब किसी भी प्रकार के साइबर अपराध या साइबर घटना किसी भी व्यक्ति के साथ यदि घटित होती है तो उनको किसी भी थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल साइबर हेल्प सेंटर, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में स्थित है, यहाँ पर आने की आवश्यकता है और यहाँ आके वो अपनी डिटेल्स और कंप्लेंट नोट करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि उनको किसी भी प्रकार से अन्य कोई समस्या है जिसके संबंध में उनको तत्काल अवगत कराना है तो वो साइबर हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके, जो इस मैसेज के साथ आपको शेयर किया जाएगा, उस पे भी तत्काल साइबर हेल्प सेंटर को अवगत करा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सभी उस हेल्पलाइन नंबर को अपने फोन में सेव कर लें और घटना घटित होते ही तत्काल साइबर हेल्प सेंटर को अवगत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार के फ्रॉड में यदि कोई भी पैसा आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन होते हुए बाहर गया है तो साइबर हेल्प सेंटर उसको वापस लाने का प्रयास करेगा। इसके बाद साइबर हेल्प सेंटर पर जाकर अपनी कंप्लेंट जरूर नोट कराएं। याद रखें, ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी आप केवल साइबर हेल्प सेंटर पर ही जाएंगे और यदि उसके बाद आपके प्रकरण में FIR दर्ज होती है तो ये साइबर हेल्प सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो FIR की कॉपी आपको वहीं पर उपलब्ध कराएंगे। आपको किसी भी थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है और आपके मुकदमे से संबंधित प्रगति के संबंध में भी आप साइबर हेल्प सेंटर पर जाके कभी भी डिटेल्स ले सकते हैं। आपको किसी भी थाने के चक्कर काटने की या थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।